हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम डेफिनेशन से। इस वीडियो में हम सिर्फ डेफिनेशंस कवर करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतनी ही डेफिनेशंस पढ़नी है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है डेफिनेशन जिसका कोई एंड नहीं है। आप चाहो तो एक ऑथर के आप 50 डेफिनेशंस भी आपको मिलेंगी डिफरेंट सोर्सेज से, एंड आप चाहो तो आप वो सारी याद भी कर सकते हो, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। एंड वहां से मार्क्स कितने आपको मिलने, कितने क्वेश्चन आएंगे डेफिनेशन से, वो भी आपको देखना है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं करा रही हूँ, आप इतना करके जाओ, या अगर आपने इससे पहले भी कुछ डेफिनेशन पढ़ी हुई है तो वो पढ़ के जाओ। एंड सी एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, जैसे मैं आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे मैंने काफी ध्यान दिया, जिन थिंकर्स की हमने बात की है बीच में, कभी आपको एक कोट से थोड़ा आप गेस भी कर सकते हो कि किस थिंकर ने कहा होगा, किस इसने कहा होगा, सोशियोलॉजिस्ट ने, क्योंकि मैंने आपको बीच बीच में कंसेप्चुअल चीजें भी बताई हैं, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। ये सारी चीजें जो होती है एग्जामिनेशन सेंटर में ही क्लिक करती हैं। ठीक है, तो जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, पहले मैं उनके लिए बता दूं, इस पे मैं कोर्सेज लेके आती हूँ आपके JKSSB एग्जाम के। करंटली हमारा सुपरवाइजर का एग्जाम चल रहा है, जिसमें मैंने स्पेशलाइजेशन का कोर्स कंप्लीट करवाया हुआ है। उसमें हमारी मैराथन कम रिविजन सीरीज चल रही है। मैराथन हमारा 5 यूनिट्स का कंप्लीट हो गया है, 5th यूनिट का सेकेंड पार्ट रहता है बस, प्लस हमारा यूनिट 5 का MCQ सीरीज रहता है, और यूनिट 1 टू यूनिट 4 हमारे MCQ सीरीज भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, स्कीम्स की रिविजन स्टार्ट करेंगे। प्लस मैंने हिस्ट्री भी करवाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन भी करवाया हुआ है, एंड हिस्ट्री के MCQs है, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री वाया MCQs, वो भी सीरीज चल रही है। उसका एक वीडियो आ गया है, उसका भी एक वीडियो रहता है, जिससे सिर्फ MCQ से ही आपको सारा हिस्ट्री जो है ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, या अगर आने वाले टाइम में आप JKAS अटेम्प्ट करेंगे या UPSC, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इस पे मैं जनरल स्टडीज रिलेटेड वीडियोस भी लेके आऊंगी। प्लस अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, ठीक है, तो फिर आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि मैंने नितिन सांगवान एसेंशियल सोशियोलॉजी जो है वो कंप्लीट कराई हुई है। पेपर A एंड पेपर B के 4 चैप्टर्स रहते हैं, दैट मीन्स हमारा UPSC सोशियोलॉजी का सिलेबस भी ऑलमोस्ट डन है। उसकी आपको अलग प्लेलिस्ट मेरी चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इफ़ यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दीज थिंग्स, आपको क्या करना होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मुझे कॉमेंट से बताएं आपको वीडियोज कैसे लगते हैं। एंड सिंस दिस वर्क इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप चाहें तो सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, जो वो कॉमेंट सेक्शन में आपको दिख जाएगा राइट कॉर्नर पे, हार्ट के अंदर $, या आप चाहें तो वॉलंटियरली भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको मेरा UPI ID कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ऑगस्ट कॉम्टे काफी इंपॉर्टेंट नाम है सोशियोलॉजी के, तो इनकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी इनको बोला जाता है, इन्होंने सोशियोलॉजी को बोला है साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज, द डिस्कवरी ऑफ विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब देखो मैं आपको सिर्फ इसका PDF भी दे सकती थी, पर्पस क्या है वीडियो लाने का, क्योंकि आप ही सुनोगे जो मैं बोलूंगी, एंड ट्रस्ट मी, जब चीज बोली जाती है एंड दूसरा इंसान चीज सुनता है ना, तो उसकी मेमोरी रिटेंशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आप सिंपली नोट्स खोलो और खुद से याद करो। ठीक है, तो किसी का पढ़ाया हुआ बार बार रिपीट किया हुआ दिमाग में जो है अच्छे से रजिस्टर हो जाता है। तो ये ऑगस्ट कॉम्टे ने क्या कहा है, डिफाइन किया सोशियोलॉजी को एज ए साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज, डिस्कवरी ऑफ विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज किसने कहा है, ऑगस्ट कॉम्टे। आपको क्या करना है, डेफिनेशन याद रखने की ट्रिक भी है कि आपको पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड्स देख लो। फाइन, फाइनली जब आप सिर्फ कीवर्ड से नाम याद रखोगे ऑथर्स के नाम, तो आपके पास मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंटेंट जो है वो बन जाएगा, एंड दैट इज इजी टू मेमोराइज रादर देन मेमोराइजिंग द कंप्लीट डेफिनेशन। ठीक है, तो नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज किसने कहा है, ऑगस्ट कॉम्प्टे ने। हम ये चीज बार बार ही मैं रिपीट करूंगी, ताकि अच्छे से आपका इसी वीडियो में ही चीजें रिवाइज हो जाए, एंड फिर आपको खुद से नोट्स बनाने की वगैरह कुछ रिविजन करने की जरूरत वैसे नहीं है। आप एक दो बार अगर ये वीडियो भी देखोगी, वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, तो आपको ये चीजें साथ साथ रिवाइज होती रहेंगी। कैसे देखोगे, जैसे कोई काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, हेडफोन लगा लिए, ठीक है, घर का कोई काम कर रहे हो, उस टाइम पे वीडियो लगा ली, तो बार बार ही रिवाइज होता रहेगा। नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज किसने कहा था सोशियोलॉजी को, नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज ये कहा था ऑगस्ट कॉम्प्टे ने। ठीक है, ऐसे करके आप कीवर्ड से याद रखोगे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोशियोलॉजी इज द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, तो इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड किसने कहा था, LT हॉबहाउस ने। मैं अभी आपको फिर से रिवाइज करवाऊंगी इसी वीडियो में ही ये,
हम चार चार पांच पांच चीजें पढ़ेंगे एंड साथ साथ रिवाइज करेंगे. सोशियोलॉजी को किसने कहा था कि डील्स विद द सोशल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर इंटरनल फॉर्म्स और मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहा था एच एम जॉनसन ने. ठीक है, सोशल ग्रुप या एंड सोशल ग्रुप देयर इंटरनल फॉर्म्स या मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किसने कहा था? एच एम जॉनसन ने. नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज किसने कहा था? ऑगस्ट कॉम्प्टन ने. ठीक है, एंड इंटरैक्शंस ऑफ ह्यूमन माइंड किसने कहा था? एल टी हॉबहाउस ने. सोशियोलॉजी जो है, इट इज अ स्पेशल सोशल साइंस कंसंट्रेटिंग ऑन इंटर ह्यूमन बिहेवियर, ऑन प्रोसेस ऑफ सोशिएशन सोसिएशन कैन और एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन एज सच. तो ये एसोसिएशन एसोसिएशन डिसोसिएशन ये किसने कहा था? वैन वाइज ने. ठीक, वैन वाइज ने. सोशियोलॉजी को रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज ह्यूमन एनवायरमेंट किसने कहा है? फेयरचाइल्ड ने, एचपी फेयरचाइल्ड ने. सोशियोलॉजी में बी डिफाइंड एज ए बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप, ये किसने कहा है? जे एफ क्यूबर ने. अब देखो, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज ह्यूमन एनवायरमेंट कहा है फेयरचाइल्ड ने, एंड इंटरैक्शंस ऑफ ह्यूमन माइंड कहा है हॉबहाउस ने, एंड साइंटिफिक नॉलेज अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप कहा है जे एफ क्यूबर ने. अब नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज किसने कहा था? ऑगस्ट कॉम्प्टे ने. मैन एंड हिज ह्यूमन एनवायरमेंट किसने कहा था? फेयरचाइल्ड ने. इंटरैक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड किसने कहा था? एल टी हॉबहाउस ने. सोशल ग्रुप एंड मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसने कहा था? जॉनसन ने. ठीक है, एंड एसोसिएशन डिसोसिएशन एसोसिएशन ये सारी चीजें किसने कही थी? वैन वाइज ने. सोशियोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ किसने कहा था? ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने. ठीक है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ. ठीक है, तो इनवेरिएबल लॉज, नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज किसने कहा था? ऑगस्ट कॉम्प्टे ने. इंटरैक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड किसने कहा था? किसने कहा था, मुझे भूल गया, एल टी हॉबहाउस ने. सोशल ग्रुप मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये किसने कहा था? एच एम जॉनसन ने. ठीक है, एसोसिएशन एसोसिएशन डिसोसिएशन ऐसी सारी बातें किसने कही थी? वैन वाइज ने. मैन एंड हिज ह्यूमन एनवायरमेंट किसने कहा था? फेयरचाइल्ड ने. साइंटिफिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप किसने कहा था? जे एफ क्यूबर ने. एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ किसने कहा था? ऑगबर्न निमकॉफ ने. तो आपके साथ साथ मुझे भी ये सारी डेफिनेशन याद हो रही हैं. Sociology asks what happens to man and by what rules they behave, not in so far as they unfold these understandable individual existence in their totalities, but in so far as they form groups and are determined by their groups' existence because of interaction. ठीक है, तो जॉर्ज सिमिल जो है, उन्होंने कुछ टाइप्स ऑफ ग्रुप्स वगैरह भी हमें दिए हैं, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं था, इसलिए हमें वो नहीं पढ़ना है. हमने देखो यहाँ पे ग्रुप्स देयर इंटरनल फॉर्म, सोशल ग्रुप देयर इंटरनल फॉर्म और मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहा है एच एम जॉनसन ने. ठीक है, लेकिन सोशियोलॉजी ग्रुप्स एंड आर डिटर्मिंड बाय देयर ग्रुप एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन. ठीक है, तो इन दो चीजों में कंफ्यूज नहीं हो जाना. जॉर्ज सिमिल ने क्या कहा है, इन्होंने बात की है दे फॉर्म ग्रुप्स एंड आर डिटर्मिंड ग्रुप की एग्जिस्टेंस से. ठीक है, तो ग्रुप पे ज्यादा फोकस किया है सिमिल ने, एंड ग्रुप उनके इंटरनल फॉर्म या मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किसने कहा है? एच एम जॉनसन ने. ठीक है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, कलेक्टिव बिहेवियर किसने कहा है? आर ई पार्क ने एंड एफ डब्ल्यू बर्जिस ने. ठीक है, या बर्गीस, जो भी इसको प्रोनाउंस करना चाहो कर सको, अपनी मर्जी है. कलेक्टिव बिहेवियर किसने कहा है? आर ई पार्क ने एंड एफ डब्ल्यू बर्गिस ने. ठीक है, तो ऐसे याद रख लो कि जैसे पार्क में आपको अपना बिहेवियर जो है वो सही रखना पड़ता है ना, कि आपको किस तरीके से बैठना है एंड किस तरीके से आपको हंसना है, क्या खाना है. पार्क में वैसे नहीं बिहेव कर सकते जैसे आप घर में बिहेव करते हो, तो वैसे करके याद रख लो कुछ. कलेक्टिव बिहेवियर एंड आर ई पार्क, पार्क एंड पार्क में बैठ के बर्गर खा रहे हो तो पार्क एंड बर्गर्स. ठीक है, तो जहाँ कोई निमोनिक मुझे ऐसे दिमाग में आता रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी, बाकी हर डेफिनेशन का फॉर्म करना तो ये मेरे लिए अभी इस टाइम पे मुश्किल होगा. जनरल सोशियोलॉजी इज वन इज ऑन द होल थियोरी ऑफ ह्यूमन बींग्स लिविंग टूगेदर, फर्डिनेंड टोनीज. ठीक है, टोनीज ने किसकी बात कही थी? सोशियोलॉजी क्या है? ह्यूमन बींग्स का साथ में रहना, फर्डिनेंड टोनीज. ठीक है, टोनीज ने कहा था साथ में रहो, टोनीज ने आपको कहा था साथ में रहो. ठीक है, ह्यूमन बींग्स लिविंग टूगेदर. एक बार रिविजन कर लेते हैं फिर से. नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज किसने कहा था? ऑगस्ट कॉम्प्टन ने. इंटरैक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड कहा था एल टी हॉबहाउस ने. अब देखो, इंटरैक्शंस ऑफ ह्यूमन माइंड, एक घर में क्या होता है, हाउस में सारे ह्यूमन माइंड्स इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, सारे फैमिली मेंबर्स. तो याद रख लो, इंटरैक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड किसने कहा था? हॉबहाउस ने. ठीक है, एंड इसको सोशल ग्रुप उनके इंटरनल फॉर्म और मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसने कहा था? जॉनसन ने. ठीक है, एंड एसोसिएशन डिसोसिएशन ऐसी सारी बातें किसने कही थी? वैन वाइज ने.
सोशियोलॉजी को, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज ह्यूमन एनवायरमेंट किसने कहा था, फेयरचाइल्ड ने, साइंटिफिक नॉलेज अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप जेएफ क्यूबर ने, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ किसने कहा था, ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने, ठीक है, एंड ग्रुप्स हैं, दे फॉर्म द ग्रुप्स एंड डिटरमिन उनके ग्रुप की एग्जिस्टेंस से ही ये कहा था सिमिल ने, कलेक्टिव बिहेवियर किसने कहा था, पार्क एंड बर्गिस ने, ठीक है, एंड ह्यूमन बींग्स लिविंग टुगेदर किसने कहा था, फर्डिनैंड टोनीज ने. फाइन, एक बार फिर से देख लेते हैं, नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज किसने कहा था, ऑगस्ट कॉम्प्टे ने, इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड, सारे बैठ के इकट्ठे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो घर में होता है तो एलटी हॉबहाउस, एसोसिएशन एसोसिएशन डिसोसिएशन ऐसी सारी बातें कही थी वैन वाइस ने, एंड सोशल ग्रुप्स और उनके इंटरनल मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये सब कुछ कहा था जॉनसन ने, साइंटिफिक नॉलेज अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप कहा था जे एफ क्यूबर ने, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ कहा था ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने, ठीक है, एंड असिमल ने क्या कहा था, ग्रुप्स एंड दे फॉर्म द ग्रुप्स एंड ग्रुप्स आर डिटरमिंड उन ग्रुप्स की एग्जिस्टेंस से, तो ग्रुप्स पे ज्यादा फोकस किसने किया था, जॉर्ज सिमिल ने, कलेक्टिव बिहेवियर किसने कहा था, पार्क एंड बर्गीज ने, ठीक है, एंड ह्यूमन बींग्स लिविंग टुगेदर ये किसने कहा था, फर्डिनैंड टोनीज ने. साइंट अब सोशियोलॉजी इज अ बॉडी ऑफ रिलेटेड जनरलाइजेशंस अबाउट ह्यूमन सोशल बिहेवियर अराइव्ड एट बाय साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है, तो लंडबर्ग, श्राज, लार्सन एंड एथोस ने कहा था. तो एक डेफिनेशन है जो तीन चार लोगों ने कही है, ये डेफिनेशन छोड़ ही दो क्योंकि ऐसी डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएंगी जो काफी लोगों ने एक डेफिनेशन दी होगी. दो जैसे नाम है वो ठीक है, लेकिन दो चार नाम है तो वो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ पूछेंगे, ठीक है. Sociology in its broadest sense may be said to the study to be the study of interactions arising from association of living beings, ठीक है, तो इसको किसने कहा था कि सोशोलॉजी अराइज होती है फ्रॉम दी इंटर फ्रॉम दी स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस जो किससे बनते हैं, एसोसिएशन ऑफ लिविंग बींग्स से. तो एसोसिएशन ऑफ लिविंग बींग्स किसने कहा था, गिलेन एंड गिलेन ने, एंड आपका दूसरा यहाँ पे था एसोसिएशन डिसोसिएशन, ठीक है, ये किसने कहा था, वैन वाइज ने, ठीक है, सोसिएशन एसोसिएशन डिसोसिएशन वैन वाइज ने कहा था, एंड एसोसिएशन ऑफ लिविंग बींग्स किसने कहा था, गिलेन एंड गिलेन ने, ठीक है, एसोसिएशन डिसोसिएशन सोसिएशन कहा था वैन वाइज ने, एंड एसोसिएशन ऑफ लिविंग बींग्स कहा था गिलेन एंड गिलेन ने, ठीक है. द चीफ इंटरेस्ट ऑफ सोशोलॉजी इज द पीपल आइडिया कस्टम्स एंड देयर डिस्टिंक्ट ह्यूमन फिनोमेना विच सराउंड मैन एंड इन्फ्लुएंस देम एंड विच आर देयरफॉर पार्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट. Sociology also devotes some attention to certain aspects of geographical environment, ठीक है, and to some natural as contrasted with neutral and natural with human phenomena, but this interest is secondary to preoccupation with human being and the products of human life in association. Our general field of study is man as he is related to other men and to the creator of other men which surround him. तो बड़ी सारी डेफिनेशन है इसमें, याद रखो. सोशोलॉजी के इंटरेस्ट को लेके ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट की बात किसने कही थी, एम ई जोन्स ने, ठीक है, एम ई जोन्स ने किसके बारे में बात करी थी, ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट के बारे में. तो बस आपको इतनी सारी डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट किसने कहा था, एम ई जोन्स ने, ठीक है. आगे देखते हैं, सोशियोलॉजी सीक्स टू डिस्कवर प्रिंसिपल्स ऑफ कोहेजन एंड ऑफ ऑर्डर विद इन द सोशल स्ट्रक्चर, विद इन द सोशल स्ट्रक्चर, द वेज विच इट रूट्स एंड ग्रोज विद इन एन एनवायरमेंट, द मूविंग इक्विलिब्रियम ऑफ चेंजिंग स्ट्रक्चर एंड चेंजिंग एनवायरमेंट, द मेन ट्रेंड्स ऑफ द इनसेसेंट चेंज, द फोर्स विच डिटरमिन इट्स डायरेक्शन एट एनी टाइम, द हार्मनीज, कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स द एडजस्टमेंट्स एंड माल एडजस्टमेंट्स विद इन द स्ट्रक्चर एज दे आर रिवील्ड इन द लाइट ऑफ ह्यूमन डिजायर एंड दस द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मीन्स टू एंड इन द क्रिएटिव एक्टिविटीज ऑफ सोशल मैन. तो बहुत सारा बोला हम इसमें क्या याद रखेंगे, सोशोलॉजी क्या करता है, डिस्कवर प्रिंसिपल्स ऑफ कोहिजन, ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ कोहिजन किसने कहा था, मैकाइवर ने, मैकाइवर ने इनको वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप भी कहा था, सोशोलॉजी को सोशल रिलेशनशिप, ठीक है. तो ये डेफिनेशन काफी बार काफी एग्जाम्स में आ चुकी है तो याद रख लेना. मैंने आपको पहले एक बार एक लेक्चर में इसका निमोनिक बताया था कैसे याद रखना है, इफ यू रिमेम्बर. मैकाइवर से याद रख लो, मकड़ी, मकड़ी बनाती है जाल, वेब इज योर जाल, तो सोशोलॉजी क्या है, वेब, वेब किसने कहा था, जाल, जाल मकड़ी, मकड़ी मैकाइवर, ठीक है. तो प्रिंसिपल्स ऑफ कोहिजन ऑफ ऑर्डर विद इन द सोशल स्ट्रक्चर, तो जो मकड़ी होती है उसमें क्या होता है, आपस में जुड़ी हुई होती है तो एक कोहिजन होता है एंड एक स्ट्रक्चर बना होता है. तो कोहिजन, तो जो डिस्कवर करता है प्रिंसिपल ऑफ कोहिजन वो कौन होगा, अगेन वो मकड़ी होगा, मकड़ी कौन है आपका, मैकाइवर, ठीक है.
आगे देख लो, सोशियोलॉजी इज द साइंस विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन. ठीक है, आप इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग याद रखो, क्योंकि मैक्स वेबर को इंटरप्रिटिविस्ट ही बोलते थे. मैंने आपको मैक्स वेबर थोड़ा बहुत बताया हुआ है जब हमने स्ट्रेटिफिकेशन जब पढ़ा था. ठीक है, तो इंटरप्रिटेटिव स्कूल को बिलोंग करते थे. तो इंटरप्रिटेटिव कौन है? मैक्स वेबर. सोशियोलॉजी मे बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द वेज इन विच सोशल एक्सपीरियंसेस फंक्शन इन डेवलपिंग, मच्योरिंग एंड रिप्रेसिंग ह्यूमन बींग्स थ्रू द इंटरपर्सनल स्टिमुलेशन. मे बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ वेज इन विच सोशल एक्सपीरियंसेस फंक्शन इन डेवलपिंग, मच्योरिंग एंड रिप्रेसिंग ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो किस ऑथर ने बात कही थी कि डेवलप करो, मच्योर करो एंड रिप्रेस ह्यूमन बींग्स. ठीक है, डेवलपिंग, मच्योरिंग एंड रिप्रेसिंग ह्यूमन बींग्स, ये कहा था बोगार्डस ने. डेवलपिंग, मच्योरिंग एंड रिप्रेसिंग ह्यूमन बींग्स, ये कहा था बोगार्डस ने. ठीक है, डेवलपिंग, मच्योरिंग एंड रिप्रेसिंग ह्यूमन बींग्स किसने कहा था? बोगार्डस ने. एक बार ही हम यहाँ से रिवाइज करना शुरू कर देते हैं, यहाँ से देखते हैं. सोशियोलॉजी को किसने कहा था? एसोसिएशन ऑफ लिविंग बींग्स, गिलन एंड गिलन ने. एंड एसोसिएशन, डिसोसिएशन, एसोसिएशन किसने कहा था? वैन वाइजर ने. ठीक है, तो डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप्स. अच्छा, ये भी, ये शायद स्किप हो गया था. इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप्स, ये किसने कहा था? किम्बल यंग ने. ठीक है, के यंग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इस लिखा होगा कहीं पे आंसर में के यंग, तो वो किम्बल यंग ही है. अब इसमें आपको क्या याद रखना है? बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप्स. ग्रुप्स, ठीक है, मैन इन ग्रुप्स में कौन से होते हैं यूजुअली, एंड उनका बिहेवियर, वो कैसे बिहेव करेंगे एंड ऑल, ये हम रिलेट करते हैं यंग लोगों से. तो बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप्स वुड बी किम्बल यंग. ठीक है, एमी जोन्स किससे रिलेटेड था? आपका ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट से. ठीक है, मैकाइवर में मैंने आपको कहा था वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, मकड़ी एंड कोहिजन एंड सोशल स्ट्रक्चर, वो वाली बातें, प्रिंसिपल्स ऑफ कोहिजन एंड ऑर्डर विद इन द सोशल स्ट्रक्चर, ये कहा था अगेन मकड़ी, मैकाइवर ने. मैक्स वेबर आपको सिंपल याद रखना है, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, एंड बोगार्डस ने क्या कहा था? डेवलप, मैच्योर एंड रिप्रेस करना ह्यूमन बींग्स को. डेवलपिंग, मच्योरिंग एंड रिप्रेसिंग ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो एक बार ही हम फिर से रिवाइज करें. नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉस किसने कहा था? ऑगस्ट कॉम्टे ने. एंड इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड किसने कहा था? घर, हॉब हाउस ने. एसोसिएशन, डिसोसिएशन, वो सारी बातें वैन वाइजर ने कही थी. एंड एसोसिएशन का ओरिक जो था वो किसने कहा था? एसोसिएशन ऑफ लिविंग बींग्स, गिलन एंड गिलन ने. ठीक है, देखो आपको ऐसे तरीका होता है रिवाइज करने का. अगर आप एसोसिएशन, डिसोसिएशन रिवाइज कर रहे हो वैन वाइजर से, तो यहीं पर रिकॉल करो विदाउट लुकिंग एट द वीडियो और विदाउट लुकिंग एट द नोट्स कि एसोसिएशन ऑफ लिविंग बींग, दूसरी बात किसने कही थी? वो गिलन एंड गिलन ने कही थी. ठीक है, एंड साइंटिफिक नॉलेज अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप कहा था क्यूबर ने. मैन एंड इज ह्यूमन एनवायरमेंट कहा था एक बच्चे ने जिसका नाम है चाइल्ड, एचपी फेयर चाइल्ड. सिमेल ने क्या कहा था? ग्रुप्स और डिटरमिन बाय उनके ग्रुप्स की एग्जिस्टेंस, ये सिमेल ने कहा था. तो ग्रुप्स और इंटरनल मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये और किसने बात कही थी? ये कही थी जॉनसन्स ने. फर्डिनेंड टोनीज ने लिविंग टुगेदर कहा था, ह्यूमन बींग्स लिविंग टुगेदर कहा था. ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ यंग इन द ग्रुप किसने कहा था? वो किम्बल यंग ने कहा था. ठीक, एंड एमी जोन्स ने क्या कहा था? ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट का. मैकाइवर ने क्या कहा था? कोहेजन की बात कही थी, कोहेजन ऑफ ऑर्डर विद इन सोशल स्ट्रक्चर. एंड मैकाइवर ने क्या कहा था? मकड़ी ने जाले के बारे में बात की थी, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप. बोगार्डस ने कहा था मच्योर, रिप्रेस करना ह्यूमन बींग्स को. ठीक है, बोगस यूजली हम किसके साथ रिलेट करते हैं? नेगेटिव टर्म है. ठीक है, तो बोगस याद रख लो, नेगेटिव, तो रिप्रेस करना ह्यूमन बींग्स, बोगार्डस. ठीक है, एंड सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल लाइफ. तो ये किसने कहा था? यंग एंड मैक ने. स्ट्रक्चर ऑफ सोशल लाइफ जो है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल लाइफ कहा था यंग एंड मैक ने. और एक ने इसको साइंटिफिक स्टडी कुछ कहा था. अच्छा, कलेक्टिव बिहेवियर आपको पता है, पार्क एंड बर्गिस ने कहा था. साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ किसने कहा था? ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने. एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल लाइफ का था यंग एंड मैक ने. ठीक है, अब देखो कितना स्लाइट डिफरेंस है. स्ट्रक्चर की बात यंग एंड मैक ने कही थी, एंड सिर्फ साइंटिफिक स्टडी किसने कहा था? नाम भूल जाता है मुझे, ऑगबर्न एंड निमकॉफ. ठीक है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ. इन्होंने और एक टर्म भी दी थी, कल्चर लैग. अगर आपको याद होगा हमने वीडियोज में ये बात मैंने आपको ये हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी. तो स्ट्रक्चर ऑफ सोशल लाइफ किसने कहा था? यंग एंड मैक ने. एंड सिंपली साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ किसने कहा था? ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने. ठीक है, तो स्ट्रक्चर जिसने ऐड किया था उसका नाम क्या था? यंग एंड मैक. ठीक है, ऐसे याद रख लो, जैसे मकान का स्ट्रक्चर होता है, जो यंग लोग होते हैं वो ज्यादा स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान देते हैं, डिजाइनिंग वगैरह. पुराने जमाने में तो सिर्फ मकान होते तो उतना काफी था. अब क्या करते हैं? डिजाइनिंग है तो स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाता है.
तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल लाइफ कौन कहेगा, जो जवान हो लड़का होगा या लड़की होगी तो यंग एंड मैक होगा, एंड सिंपली सोशल लाइफ किसने कहा था साइंटिफिक, वो कहा था ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने। सोशियोलॉजी इज अ नेम अप्लाइड टू समवट इनकोएट मास ऑफ मटीरियल्स विच इम्बॉडीज आर नॉलेज ऑफ सोसाइटी, वो कहा था आर्थर फेयरबैंक्स ने। आर्थर फेयरबैंक्स ने क्या कहा था, सोशियोलॉजी जो है इनकोएट मास ऑफ मटीरियल्स है जो एम्बॉडी करता है नॉलेज ऑफ सोसाइटी। तो इनकोएट मास ऑफ मटीरियल्स किसने कहा था, बैंक ने। ठीक है, बैंक में क्या, हम मटीरियल अपना सारा जो होता है मटीरियल वेल्थ क्या होता है आपका गोल्ड कैश वगैरह, वो हम बैंक में जमा करते हैं। तो इनकोएट मास ऑफ मटीरियल्स कौन कहेगा, मास ऑफ मटीरियल वो बैंक कहेगा, दैट इज आर्थर फेयरबैंक। ठीक है, अभी अगर आपको इतने सारे जो मैं आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ याद अगर नहीं आएंगी ना, एग्जाम में क्या होगा आपके सामने चार ऑप्शन होंगे, तो चार ऑप्शन में यू विल बी एबल टू रिकॉल मैंने आपको क्या पढ़ाया था। सोशियोलॉजी इज सिंथेसाइजिंग एंड जनरलाइजिंग साइंस ऑफ मैन इन ऑल हिज सोशल रिलेशनशिप, दैट इज आर्नल्ड ग्रीन। तो सिंथेसाइज और जनरलाइजिंग साइंस किसने कहा था ऑफ मैन, वो किसने कहा था, आर्थर आर्नल्ड ग्रीन ने। ठीक है, सोशियोलॉजी सिंथेसाइजिंग एंड जनरलाइजिंग साइंस ऑफ मैन, आर्नल्ड ग्रीन। ठीक है, तो सिंथेसाइजिंग से याद रख लो आप सिंथेसाइज फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो भी सिंथेसिस, ये मतलब राइम करती हैं टर्म, फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स। तो आर्नल्ड ग्रीन ने क्या कहा था, सिंथेसाइजिंग एंड जनरलाइजिंग साइंस। फिर सोशियोलॉजी इज ए डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल डिसिप्लिन कंसर्न विद द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल डिसिप्लिन किसने कहा था, डंकन मिशेल ने। ठीक है, डंकन मिशेल ने क्या कहा था, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल डिसिप्लिन। तो मिशेल कौन थी, ओबामा की बीवी थी। ठीक है, ओबामा की बीवी जो थी वो काफी अच्छी काफी इंटेलिजेंट थी, उन्हें काफी बुक्स भी लिखी हैं, काफी ह्यूमैनिटेरियन काम भी किया है। जो ह्यूमैनिटेरियन काम करेगा वो हर चीज को पहले एनालाइज करेगा। ठीक है, तो मिशेल ने क्या किया है, एनालिटिकल डिसिप्लिन बोला है। मिशेल ओबामा की बीवी, वो हर चीज को एनालाइज करके पॉलिसीज वगैरह बनाने में हेल्प करती थी अपने पति की। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल डिसिप्लिन, ठीक है, एनालिटिकल डिसिप्लिन किसने बोला है, मिशेल ने। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, देयर वेराइटी, देयर फॉर्म, वट एवर अफेक्ट्स देम एंड वट एवर दे अफेक्ट, अबेल, टी अबेल। ठीक है, तो ये कौन किसको इफेक्ट करेगा, ये किसकी, ये किसने बोला था, कौन, वट एवर इफेक्ट्स दैम, वो किसको इफेक्ट करेंगे, उनको कौन इफेक्ट करता है, तो टी अबेल ने कहा था। ठीक है, तो इफेक्ट होने की बात किसने कही थी, अबेल ने, अबेल ने। ठीक है, ऐसे कुछ भी करके याद रख लो, आप खुद से कुछ भी करके याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे हम बैल के सामने वो लाल कपड़ा दिखाते हैं तो उसको बहुत इफेक्ट होता है ना, एंड वो आपके पीछे भागना शुरू हो जाता है, तो टी अबेल ने इफेक्ट होने की बात करी थी। ठीक है, तो ऐसे जितना आपका स्टूपिड ये चीज होगी याद रखने की, उतनी जल्दी एग्जाम में आपको रिकॉल हो जाएगा। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोशल लाइफ, तो ये कहा था जॉन डब्ल्यू बेनेट ने, इज द साइंस एंड स्ट्रक्चर, इट इज द साइंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोशल लाइफ किसने कहा था, वो कहा था बेनेट ने। अब आप खुद सोच लो, इसमें आप क्या याद रखोगे, मेरे दिमाग में अभी कुछ बन नहीं रहा है, क्योंकि ये जो ये डेफिनेशन है मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने पहले खुद से एक बार नहीं देखी थी ये, तो ये इस टाइम पे मुझे इतना स्पॉन्टेनियसली सब कुछ ये करवाना पड़ रहा है आपको, इसकी ट्रिक्स फॉर्म करनी पड़ रही है, तो जिसकी मैं नहीं कर पा रही हूँ वो आप खुद ही कर लो। एंड इनफैक्ट कॉमेंट्स में बताओ कि इसको कैसे याद रखें ताकि बाकियों के लिए भी हेल्प हो जाए। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोशल लाइफ कहा था बेनेट ने। ठीक, और स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था, एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल लाइफ, वो स्ट्रक्चर मैंने क्या कहा था, कौन लोग बनाते हैं, यंग लोग, यंग एंड मैक, एंड सिंपल साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ किसने कहा था, ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने। ठीक है, ये होता तरीका रिवाइज करने का, जो भी आप वर्ड से पुरानी चीजें रिकॉल कर सको विदाउट लुकिंग एट द नोट्स, पुरानी चीजें साथ साथ बार बार ही रिकॉल किया करो। एंड सोशियोलॉजी जनरलाइज साइंस है ऑफ ए सोशो कल्चरल फिनोमेना व्यूड इन दियर जेनरिक फॉर्म टाइप्स एंड मैनिफोल्ड इंटरकनेक्शन। ठीक है, सोरोकिन ने, तो सोशो कल्चर फिनोमेना व्यूड इन दियर जेनरिक फॉर्म, ये सोरोकिन ने कहा था। ठीक, सोशो कल्चर, सोरोकिन ऐसे करके याद रख लो, सोशो कल्चरल फिनोमेना व्यूड इन दियर जेनरिक फॉर्म, सोरोकिन ने कहा था। ठीक है, सोशो कल्चर, सोरोकिन, ये होगी आपकी इतनी डेफिनेशंस। फिर हम देखेंगे कुछ सोसाइटी की, कम्युनिटी की एंड एसोसिएशन की, क्योंकि यही टॉपिक्स है जहां से डेफिनेशंस आपकी आने के कुछ चांस है अगर आए, बाकी तो खैर इसमें डेफिनेशंस और नहीं है कहीं पे।
ठीक है, एक बार रिकॉल कर ले, नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज, ऑगस्ट कॉम्टे। अब क्या करो आप मेरे साथ साथ वीडियो, जैसे मैं बोल रही हूँ आप भी ऊंचा ऊंचा बोलो, ठीक है। रिवाइज करने का तरीका होता है, मन में मत रिवाइज किया करो, ऊंचा बोला करो। जस्ट आप इमेजिन करो कि आपके सामने कोई बैठा है ना, आप उसको पढ़ा रहे हो, क्योंकि जो बात आप मुंह से बार बार बोलोगे ना, वो आपके दिमाग में रजिस्टर होती जाएगी। ये कुछ रिविजन के इफेक्टिव वेज है, उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था। ये सारी जो बातें मैं आपको बोलती हूँ रिविजन की, साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। तो इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड, इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड कहाँ पे होता है, घर में होता है, तो हॉब हाउस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अच्छा, ग्रुप्स देयर इंटरनल फॉर्म्स और मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जॉनसन ने कहा था। ग्रुप्स की और एक बात कही, किसने कही थी, वो सिमेल ने कही थी, जिसने कहा था ग्रुप्स एंड ग्रुप्स की एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है सब कुछ, ग्रुप्स पर ज्यादा फोकस किया था। फिर आ गया एसोसिएशन डिसोसिएशन, वैन वाइजर ने कहा था, ठीक है। और एक बात कही थी एसोसिएशन ऑफ लिविंग बींग्स, वो किसने कहा था, गिलन एंड गिलन ने कहा था। रिलेशनशिप मैन और उसकी ह्यूमन एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप, देखो ये एक बच्चे की बात थी, तो किसकी बात है, फेयर चाइल्ड की। क्यूबर ने कहा था साइंटिफिक नॉलेज अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप किसने कहा था, क्यूबर ने कहा था। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने कहा था। एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल लाइफ किसने कहा था, यंग एंड मैक ने, ठीक। पार्क में बर्गर खाओगे, ये किस एक बुक, उस पर किस चीज पे फोकस करना होगा आपको, बिहेवियर पे, तो दैट वुड बी कलेक्टिव बिहेवियर, ठीक है। ह्यूमन बींग्स लिविंग टुगेदर, वो किसका हो गया, फर्डिनैंड टोनीस का। फिर मैंने कहा तीन चार नाम जो है छोड़ दो, ये डेफिनेशन। फिर हो गया डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन द ग्रुप, इज मैन इन द ग्रुप का बिहेवियर, वो हम कैसे एसोसिएट करेंगे यंग लोगों से जो ग्रुप्स में होंगे, उन कैसे बिहेव करेंगे, तो आंसर वुड बी के यंग। आगे देखो जोन्स, तो जोन्स ने किसके बारे में बात की थी, ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट। तो ऐसे याद रख लो, जोन्स, जोन्स हो गया बोन्स, बोन्स मतलब हड्डियां, हड्डियां स्ट्रांग कैसे रहती है, ट्रैकिंग से। तो ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट, ट्रैकिंग, ज्योग्राफी, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। जोन्स से आपका बोन्स हो गया, बोन्स को मजबूत रखने के लिए ट्रैकिंग करनी होती है, तो ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट। ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट किसने कहा था, जोन्स ने। मैकाइवर ने क्या कहा था, मकड़ी, एक तो वेब की बात कही थी और कहा था सोशल कोहेजन एंड ऑर्डर विद इन द सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। मैक्स वेबर इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, बोगार्डस मैंने कहा था बोगस नेगेटिव टर्म है, तो रिप्रेसिंग ह्यूमन बींग्स, रिप्रेस करना, वो बोगार्डस से याद कर लो। यंग एंड मैक हो गया आपका साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल लाइफ। फेयर बैंक, बैंक में मटेरियल जमा करते हैं, तो इनक्वेट मास ऑफ मटेरियल किसने कहा था, फेयर बैंक ने। ग्रीन मैंने क्या कहा था, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब सिंथेसाइजिंग एंड जनरलाइजिंग साइंस, ठीक है। तो ग्रीन, ग्रीन से सिंथेसिस, सिंथेसिस से ग्रीन से फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस से याद रख लो मिलता जुलता टर्म सिंथेसाइजिंग। फिर डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल मैंने क्या कहा था, मिशेल ओबामा की बीवी एनालाइज करके पॉलिसी बनाती है, तो डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल डिसिप्लिन किसने कहा था, मिशेल ने, ठीक है। बैल टी अबेल, अब बैल मैंने क्या कहा था, बैल को असर होता है, इफेक्ट होता है जब आप लाल कपड़ा दिखाते हो, तो ये इफेक्ट, वट एवर इफेक्ट सेम एंड वट एवर दे इफेक्ट, ये बात किसने कही थी, एक बैल ने जिसका नाम था अबेल, ठीक है। एंड बेनेट मैंने क्या कहा था, आप बताओ इसको कैसे याद रखोगे, साइंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोशल लाइफ, एंड कॉमेंट्स में बताओ, क्योंकि मुझे अभी दिमाग में कुछ फॉर्म नहीं हो रहा है। सरोकिन ने कहा था सोशल कल्चर, सरोकिन, सो सोशल कल्चर, एंड कुछ जेनरिक वाली बात कही थी सरोकिन ने, ठीक है। तो आई होप आपको ये अब दोबारा से नोट्स पढ़ के रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको रिविजन इसका करना होगा तो वीडियो एक बार ही लगा लेना, एंड जो मैं बार बार बोल रही हूँ आपके दिमाग में खुद से बैठता जाएगा, बस आप वीडियो सुनना जब आप उसको सेकेंड या थर्ड टाइम रिवाइज करोगे। पहली डेफिनेशन देखते हैं मैकाइवर की, मैकाइवर हमने ऑलरेडी क्या पढ़ा है एक बार ही सोशियोलॉजी के रिलेटेड, इसमें एक तो मकड़ी, वेब की बात की थी और कहा था सोशल कोहेजन एंड ऑर्डर विद इन द सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो मैकाइवर ने कहा था, और मैकाइवर ने क्या बोला है, सोसाइटी को सिस्टम ऑफ यूसेज, यूजेज एंड प्रोसीजर्स एंड ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड एंड ऑफ मेनी ग्रुपिंग एंड डिविजन ऑफ कंट्रोल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑफ लिबर्टीज, दिस एवर चेंजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम विच वी कॉल सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। वेब मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। आगे देख लो सी एच कूली, पहले कमेंट्स में बताओ मैंने सी एच कूली की एक थ्योरी आपको पढ़ाई है, उसका नाम क्या है, ठीक। मैं देखूँ आपको कितना, जो मैं पढ़ाती हूँ आपने कितना अच्छे से रिवाइज किया है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म और प्रोसेसेस ऑफ ईच ऑफ विच इज लिविंग एंड ग्रोइंग बाय इंटरेक्शन विद अदर्स, द होल बींग सो यूनिफाइड एंड वट टेक्स प्लेस इन वन पार्ट अफेक्ट्स ऑल द रेस्ट, ठीक है। तो कूली को आप रिलेट करो, कूली कहाँ पे होता है, ट्रेन के पास होता है। तो ट्रेन में क्या होता है, हर कोई कैसे जीता है और कैसे ग्रो करता है बाकियों से बातें करके,
एंड जो एक डब्बे में होता है उसका असर ट्रेन के दूसरे डब्बे पे भी पड़ता है। अगर एक डब्बा अलग हो गया तो दूसरा डब्बा भी अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करके कुछ फॉर्म करो, तो कूली से याद कर लो ट्रेन। तो इस डेफिनेशन को जिस तरीके से आप ट्रेन से रिलेट कर सको उस तरीके से आप रिलेट करो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ग्रोइंग इंटरेक्शन लिविंग, ट्रेन में क्या होता है, एक बैठे होते हैं सारे सीट पे तो इंटरेक्शन होती रहती है। एंड एक डब्बे में जो होगा, अगर एक डब्बा अलग हो गया दूसरा डब्बा भी अलग हो जाएगा, तो जो एक डब्बे में होगा उसका असर बाकी डब्बों पे भी पड़ेगा। तो सी एच कूली। फिर गिन्सबर्ग, गिन्सबर्ग ने क्या कहा था, सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनिफाइड बाय सर्टेन रिलेशंस और मोड्स ऑफ बिहेवियर व्हिच मार्क देम ऑफ फ्रॉम अदर्स हु डू नॉट एंटर इनटू दीज रिलेशंस और हु डिफर फ्रॉम देम इन बिहेवियर, ठीक है। यूनिफाइड बाय सर्टेन रिलेशंस और मोड्स ऑफ बिहेवियर, तो सोसाइटी को कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जो जुड़े होते हैं कुछ रिलेशनशिप एंड बिहेवियर से, वो किसने कहा था, गिन्सबर्ग ने, ठीक है। तो रिलेशनशिप और मोड्स ऑफ बिहेवियर से सोसाइटी को किसने रिलेट किया है, गिन्सबर्ग ने। रिलेशनशिप और मोड्स ऑफ बिहेवियर से किसने रिलेट किया है, गिन्सबर्ग ने। मैकाइवर ने वेब कहा है, कूली ने कहा है इंटरेक्शन से लिविंग ग्रोइंग, एंड जो एक में चीज होगी उसका असर सब पे होगा। गिन्सबर्ग ने क्या कहा है, रिलेशनशिप या मोड ऑफ बिहेवियर, ठीक है। पार्सन्स ने क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन सो फार एज दे ग्रो आउट ऑफ एक्शन इन टर्म्स ऑफ मीन्स एंड रिलेशनशिप इंट्रेंसिक और सिम्बॉलिक। तो अगर आप पार्सन्स, मैंने आपको कहीं कहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो इन्होंने आई थिंक टाइप्स ऑफ सोसाइटीज में पहला टाइप कॉन्स्टिट्यूटिव सिम्बोलिज्म ऐसा कुछ नाम दिया हुआ था, मुझे पूरा रिकॉल नहीं हो रहा है। तो सिम्बॉलिक से आप वहां से याद रख सकते हो, या टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है। तो एक चीज ऐसे करके याद रख लो कि जो पार्सन्स हैं उनकी थियोरीज काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स है उनकी थियोरी, समझना और समझाना भी आसान नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स इंसान कौन है, पार्सन्स, ठीक। क्यूबर ने क्या कहा था, अ सोसाइटी मे बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव लिव्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ टू बिकम ऑर्गेनाइज्ड टू कंसिडर देमसेल्व्स एंड बी कंसिडर्ड एज अ यूनिट मोर और लेस डिस्टिंक्ट देन अदर ह्यूमन यूनिट्स, ठीक है। तो क्यूबर ने क्या कहा था, सोसाइटी को वो ग्रुप ऑफ लोग जो हु हैव लिव्ड टुगेदर इनफ टू बिकम ऑर्गेनाइज, ठीक है, जो इतने साथ रहते हैं वो खुद से ऑर्गेनाइज हो जाएं, इतना आधा पार्ट याद रख लो, जो इतने साथ रहे हैं कि वो खुद से लॉन्ग इनफ टू बिकम ऑर्गेनाइज, वो इतने देर तक साथ रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ये किसने कहा था, क्यूबर ने। हमारे पास क्यूब होता है ना, रूबिक्स क्यूब, जिसके हमें सारे कलर्स मैच करने होते हैं, तो इतने टाइम तक आप करो उसको, प्रैक्टिस करते रहो कि वो क्यूब जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो क्यूबर ने ये बात कही थी। क्यूबर ने हमें ऊपर और एक डेफिनेशन दिया था, आई थिंक उनने कहा था साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ समथिंग लाइक दिस, एक बार देख लेते हैं। क्यूबर ने कहा था, नहीं क्यूबर ने कहा था रिलेशन, हाँ साइंटिफिक ही कहा था, साइंटिफिक नॉलेज अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप, ये कहा था क्यूबर ने। एंड सोसाइटी को लेके क्या कहा था, वो इतने टाइम तक साथ रहते हैं कि ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, रूबिक्स क्यूब अब इतने टाइम तक सॉल्व करते रहते हो कि वो कलर्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं उस पर, ठीक। पार्सन्स हो गया, क्यूबिक्स हो गया, छल्ले। पायर ने क्या कहा था, सोसाइटी रेफर्स टू नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल बट टू कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन दैट अराइज अमंग एंड बिटवीन देम, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन किसने कहा था, लेपायर ने। लेपायर ने क्या कहा था, नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। तो इंटरेक्शन के नॉर्म्स में आप खुद से देख लो, इंटरेक्शन का एक नॉर्म ये भी होता है, एक दूसरे को हाथ पैर नहीं मारने होते हैं, इंटरेक्शन जब करना होता है मुंह से करना होता है। तो पैर याद रख लो, फिर लपायर याद रख लो, तो नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। जी डी एच कोल ने क्या कहा था, सोसाइटी जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन विद इन द कम्युनिटी। तो इसको कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज एसोसिएशन किसने कहा था, जी डी एच कोल ने। नाम ही इतना बड़ा है, जी डी एच, अपना नाम ही इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज एसोसिएटेड फॉर्म में इनका नाम ही है। जी डी एच कोल ने क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज एसोसिएशन, ठीक है। लीकॉक ने क्या कहा था, पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स बाय विच मैन आर बाउंड टूगेदर बट द होल रेंज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज। तो पॉलिटिकल रिलेशनशिप किसने कहा था, लीकॉक ने। तो पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, सुबह शाम मुर्गा खाते रहते हैं, तो ली कॉक याद रख लो, पॉलिटिकल रिलेशंस, वो चिकन फ्राई करके खाते हैं पॉलिटिशियंस, तो पॉलिटिशियंस का पॉलिटिकल रिलेशन किसका हुआ, ली कॉक। हार्किंस ने क्या कहा था, सोसाइटी इज अ परमानेंट और कॉन्टिन्यूइंग ग्रुप ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन एबल टू कैरी ऑन इंडिपेंडेंटली द प्रोसेस ऑफ रेशियल परपेचुएशन एंड द मेंटेनेंस ऑन देयर ओन कल्चर लेवल्स, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूइंग ग्रुप ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, चाहे वो किसी भी रेस के हों,
कुछ भी हो, हर घर में हार्पिक यूज होता है, चाहे उस घर में सिर्फ मेन हो या वुमेन हो, चिल्ड्रन, एंड जिस घर में ज्यादा होंगे, खासकर बच्चे भी होंगे, मेन भी होंगे, वुमेन भी होंगे, किसी भी रेस के हों, वो हार्पिक यूज करेंगे। तो हार्किंस ने ये कहा था, ठीक है? तो ऐसे करके आप याद रख लो, आए हो, याद रहा हो आपको, एक बारी सोसाइटी हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैकाइवर ने वेब कहा था ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है? कूले ने क्या कहा था? ट्रेन की भी एग्जाम्पल दी थी मैंने, जो ग्रो करते हैं, लिव करते हैं बाय इंटरेक्शन विद अदर्स, एंड एक डब्बे पे जो होगा उसका असर बाकी डब्बों पे भी पड़ेगा। गिन्सबर्ग ने क्या कहा था? रिलेशनशिप और मोड्स ऑफ बिहेवियर। पार्सन्स ने क्या कहा था? सिम्बॉलिक याद रखो या कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, क्योंकि इनकी थियोरीज ही थी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इनने कॉम्प्लेक्स बातें ही कही थी। क्यूबर ने क्या कहा था? क्यूब्स में हम क्या करते हैं? तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कलर्स ऑर्गेनाइज हो जाए, तो इन्होंने कहा था इतना साथ रहते हैं कि ऑर्गेनाइज हो जाती हैं सोसाइटीज। ले पायर ने क्या कहा था? पैर एक दूसरे को नहीं मारने होते, ये किसका असूल है? इंटरेक्शन का, क्योंकि इंटरेक्शन आप बातों से करते हो। तो पैटर्न्स ऑफ नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन किसने कहा था? ले पाया ने। जी डी एच कोल ने क्या कहा था? इनका नाम ही इतना कॉम्प्लेक्स है, तो इन्होंने कहा था सोसाइटी को कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस, ठीक है? तो ली कॉक ने क्या कहा था? कॉक, मुर्गे ज्यादा कौन खाता है? वो पॉलिटिशियंस खाते हैं। तो इनने किसे रिलेट किया था? पॉलिटिकल रिलेशन से। हार्किन से मैंने आपको हार्पिक बोला था, जहां पे बच्चे होंगे किसी भी रेस के अगर हो, और मेन एंड वुमेन भी होंगे, तो उनको हार्पिक जरूरी यूज करना पड़ता है। तो हार्किक इज योर, हार्किन इज योर ग्रुप ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। कम्युनिटी देखते हैं अगेन, मैकाइवर, आप देख रहे हो मैकाइवर का नाम हर जगह है, सोसाइटी में भी, सोशियोलॉजी में भी। तो इसका मतलब है कि ऐसे जो डेफिनेशन है इनकी, वो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। कम्युनिटी को बोला ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर, बिलोंग टुगेदर, सो दैट दे शेयर नॉट डाइज और दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट, बट अ होल सेट ऑफ इंटरेस्ट वाइड इनफ एंड कंप्लीट इनफ टू इंक्लूड इन देयर लाइफ, ठीक है? तो मैकाइवर से आप मकड़ी, जाल, स्पाइडर आप याद रख ही लो। तो इस डेफिनेशन को किसी तरीके से आप स्पाइडर से रिलेट कर लो, ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर, ठीक है? स्पाइडर जो होते हैं वो एक जाल बनाते हैं ऐसा ऐसा, साथ साथ जिसके धागे रहते हैं, ठीक है? तो लिव टुगेदर हो गया, कौन इकट्ठे रहता है एंड बिलोंग टुगेदर, वो स्पाइडर जो होते हैं उनके जो जो जाल बनाते हैं मकड़ी का, वो मकड़ी का जो जाल होता है वो एक साथ रहता है, एंड ये बात इसने कही थी मैकाइवर ने, ठीक है? तो मैंने काफी स्टूपिड सी एक्सप्लेनेशन दी, अगर आपको इससे ज्यादा अच्छी आ गई स्पाइडर की, तो वो आप याद रख लो, साथ में कमेंट्स में बताओ, ताकि बाकी बच्चे भी जो उससे थोड़ा बेनिफिट हो सके। किंग्सली डेविस ने क्या कहा था? कम्युनिटी जो है एक स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप है दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। तो स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप, सबसे कम टेरिटरी जो होगी, मतलब जिसकी टेरिटरी में आप नहीं घुस सकोगे, वो कौन होगा? वो कोई इंपॉर्टेंट इंसान होगा, कोई किंग ही होगा, जिसकी टेरिटरी में आप नहीं घुस सकोगे। अदरवाइज हम कहीं भी आ जा सकते हैं, किंग की टेरिटरी में हम नहीं घुस सकते। तो स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप कम्युनिटी को किसने कहा था? किंग्सली डेविस ने। पार्क एंड बर्जेस, तो पार्क एंड बर्जेस का सोशोलॉजी में हमने क्या कहा था? कलेक्टिव बिहेवियर से रिलेट किया था, वो मैंने आपको कैसे कहा था याद रखो, पार्क में आपको अपना बिहेवियर जो है वो देखना होता है, एंड पार्क में बैठ के आप बर्गर भी खाते हो, ठीक है? तो कम्युनिटीज ए लोकल एरिया ओवर विच पीपल यूजिंग द सेम लैंग्वेज, सेम मोर, सेम सेंटिमेंट्स एंड एक्टिंग अपॉन सेम एटीट्यूड्स, ठीक है? तो सब कुछ सेम कहाँ पे होता है? पार्क में होता है। सेम कलर की घास होती है हर पार्क में, हर पार्क में सेम बेंचेस, यूजली ब्राउन या वो सीमेंट के बेंचेस हर पार्क में होते हैं। तो सेम मोर्स होती हैं, फीलिंग्स जो होती हैं, सेंटिमेंट्स, वो भी सेम है, एंड सेम एटीट्यूड है, सेम लैंग्वेज है। ये किसने कहा था? पार्क एंड बर्जेस ने, ठीक है? एंड जो बर्गर होता है उसकी शेप भी हर रेस्टोरेंट में सेम होती है। एम सी मेंजर ने क्या कहा था? सोसाइटी दैट इनहेबिट्स अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया इज नोन एज कम्युनिटी। तो डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया किसने कहा था? मेंजर ने। सी एफ चाइल्ड ने क्या कहा था? कम्युनिटी आई मीन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सोशल लाइफ, कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग ऑफ अ नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लिविंग टुगेदर अंडर कंडीशंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप बाउंड टुगेदर बाय कॉमन बिहेवियर, ठीक है? तो इस डेफिनेशन को आप किसी तरीके से चाइल्ड से रिलेट करो, क्योंकि जब जितने बच्चे हो जाते हैं उतना ज्यादा इकट्ठे रहना जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सोशल रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जब बच्चा आ जाता है, आपका रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ थोड़ा चेंज हो जाता है, अपने स्पाउस के साथ थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये बात किसने कही थी? सी एफ चाइल्ड ने। अकॉर्डिंग टू लुम्बी, कम्युनिटी में बी डिफाइंड एज ए परमानेंट लोकल एग्रीगेशन ऑफ पीपल हैविंग डाइवर्सिफाइड एज वेल एज कॉमन इंटरेस्ट सर्व्ड बाय कॉन्स्टलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है? तो कॉन्स्टलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन किसने कहा था? लुम्बी ने। तो कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो वो जो ग्रुप होता है स्टार्स का, वो काफी लंबा होता है। कॉन्स्टेलेशन में यूजुअली बहुत सारे स्टार्स आते हैं, तो बहुत होता है, वो लंबा होता है। तो लुम्बी ने क्या कहा था? कॉन्स्टेलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस।
According to Dawson and Gettys, a community is a unit of territory within which is distributed a population which possess the basic institutions in their simple and more specialized form by means of which a common life is made possible. तो डॉसन एंड गेटी ने क्या कहा था, इसको यूनिट ऑफ टेरिटरी विद इन विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, ठीक है, टेरिटरी के अंदर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, किसने कहा था, डॉन्स एंड गेटीज ने, डॉसन एंड गेटीज ने. तो एक टेरिटरी के अंदर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है. इसको चाहे तो आप गीटोस के साथ रिलेट कर सकते हो, गीटोस आपके वो छोटे स्लम्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी पॉपुलेशन होती है, एक टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है. तो गेटीज ने भी आपको वही कहा था, कम्युनिटी एक यूनिट ऑफ टेरिटरी है जो डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है किसी एक, जहाँ पे एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है. तो ये किसने कहा था, डॉसन एंड गेटीज ने. सॉरी, अकॉर्डिंग टू लंडबर्ग, अ कम्युनिटी इज अ लिविंग पॉपुलेशन विद इन विच विद इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया थे, ठीक है. तो लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया किसने कहा था, लंडबर्ग ने. एंड इसको एक यूनिट ऑफ टेरिटरी जहां पे एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वो किसने कहा था, डॉसन एंड गेटीज ने. फर्डिनैंड टोनीज ने क्या कहा था, फर्डिनैंड टोनीज ने कहा था, कम्युनिटी को ऑर्गेनिक नेचुरल काइंड ऑफ सोशल ग्रुप हुज मेंबर्स आर बाउंड टुगेदर बाय सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएटेड आउट ऑफ एवरीडे कॉन्टैक्ट कवरिंग द होल रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग की बात किसने कही थी, फर्डिनैंड टोनीज ने. कम्युनिटी में सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, किसने कहा था, फर्डिनैंड टोनीज ने. रिकॉल करने की कोशिश करो, हमने अभी सोशोलॉजी में पढ़ा था, सोशोलॉजी के डेफिनेशन में फर्डिनैंड टोनीज ने क्या कहा था, ह्यूमन बींग्स लिविंग टुगेदर. तो इसी से सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी है, ह्यूमन बींग्स लिविंग टुगेदर, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है. तो इकट्ठे रहना सोशियोलॉजी का, एंड कम्युनिटी में सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेम तरीके की डेफिनेशन है ये, किसने कहा था, फर्डिनैंड टोनीज ने, ठीक है. तो टोनीज से याद रख लो, टॉनिक मेडिसिन, टॉनिक मेडिसिन सारी फैमिली इकट्ठे लेती है, ताकि इकट्ठे, अगर किसी माँ के चार बच्चे होंगे तो चारों बच्चों को टॉनिक पिलाएगी ताकि चार बच्चे इकट्ठे बड़े हो जाएं. तो टोनीज ने हमेशा इकट्ठे की बात करी है. तो इन्हें कहा था ह्यूमन बींग्स लिविंग टुगेदर, और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, ठीक है. तो टेलकॉट पार्सन्स ने कहा था, अ कम्युनिटी मे बी डिफाइंड एज ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स दैट इनहैबिट डिलिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया हुज मेंबर्स लिव टुगेदर इन सच ए वे दैट दे शेयर बेसिक कंडीशंस ऑफ कॉमन लाइफ, ठीक है. तो ऐसे साथ रहना कि आप बेसिक कंडीशंस ऑफ कॉमन लाइफ जो है जी सको, किसने कहा था, पार्सन्स ने कहा था, ठीक. ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स, अभी हमने एक ज्योग्राफिकल की बात की थी, पहले वो बताओ क्या हमने कहा था, ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट से किसने रिलेट किया था, ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट से, वो मैंने आपको कहा था जोन्स, याद रख लो, जोन्स मतलब बोन्स, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो पहाड़ों पे जाओ, दैट इज माउंटेन्स रिलेटेड टू ए ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, ठीक है. तो यहाँ पे क्या कहा है, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स दैट इनहैबिट अ डिलिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, ऐसे उनका एक इकट्ठा एरिया होता है इस तरीके से कि जो बेसिक कंडीशंस होती हैं लाइफ की वो सबकी सेम होती है, वो शेयर करते हैं, ठीक है. तो ये किसने कहा था, पार्सन्स ने. तो पार्सन्स ने, और भी हमने ऊपर पढ़ा था, पार्सन्स ने, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बातें बताई थी, सिंबॉलिक एंड कॉम्प्लेक्स जिसकी डेफिनेशन में था, क्योंकि इनको कॉम्प्लिकेटेड थिंकर ही बोला जाता है, इनकी जो थियोरीज हैं, फाइन, इनने जो भी अपने ये दिए हैं थीसिस वगैरह, जो भी इन्हें काम किया हुआ है वो सारा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो समझना आसान नहीं है. तो वो एक चीज़ इससे रिलेट कर लेना, वहाँ जो हमने पढ़ा था इसमें सोसाइटी में एंड कम्युनिटी में इन्होंने क्या कहा था, ज्योग्राफिकल एरिया लिमिटेड, तो सेम बेसिक कंडीशंस जो होती हैं, बेसिक कंडीशंस ऑफ कॉमन लाइफ वो शेयर करते हैं कम्युनिटी के लोग, बेसिक कंडीशंस ऑफ कॉमन लाइफ शेयर करते हैं, ये किसने कहा था, टेलकॉट पार्सन्स ने, ठीक है. बस ये हो गया, रिकॉल कर लेते हैं एक बारी. तो किंग्सले डेविस, किंग से मैंने आपको क्या कहा, स्मॉल टेरिटोरियल ग्रुप, क्योंकि आप किंग की टेरिटरी में नहीं घुस जा सकते हो. तो पार्क एंड बर्जिस ने, एक तो पार्क एंड बर्जिस हमने कहाँ पे पढ़ा है, हमने पढ़ा वो कलेक्टिव बिहेवियर में, वहां पे आपको अपना बिहेवियर जो है मेंटेन करना होता है. साथ में पार्क में क्या होता है, सेम टाइप ऑफ पार्क हर जगह है, सेम टाइप ऑफ बर्गर जो है वो हर रेस्टोरेंट में है. तो इन्हें कहा था कम्युनिटी, सेम लैंग्वेज, सेम मोर, सेम सेंटिमेंट्स एंड सेम एटीट्यूड, ठीक है. तो मंजर, अच्छा मंजर हमें कहाँ मिलता है, किसी एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया में. तो डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया में आपको एक अच्छा मंजर देखने को मिलेगा, ये आपको मंजर ने कहा था. चाइल्ड, एक कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ हो जाती है जब बच्चा आ जाता है, ह्यूमन बींग्स जो है उनका रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है.
तो वो चीज किसने कही थी? चाइल्ड ने. लुम्बी से मैंने क्या आपको कहा था? लुम्बी मतलब कॉन्स्टिलेशन. अच्छा, इन्हें कॉन्स्टिलेशन कहा था. तो कॉन्स्टिलेशन से ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स यूजली काफी लंबे होते हैं, तो ये किसने कहा था? लुम्बी ने. डॉसन एंड गेटीज, गेटीज गीटोज होते हैं, गीटो स्लम, जहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया में एक पॉपुलेशन रहती है, एक स्मॉल टेरिटरी में एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, तो दैट इज योर गेटीज. लनबर्ग ने क्या कहा था? लिविंग पॉपुलेशन विद इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया. तो एल से हो गया लनबर्ग, एल से हो गया, एल से हो गया लनबर्ग, एल से हो गया आपका लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया. ठीक है. फर्डिनेंड टोनीज, टोनीज मैंने क्या कहा था? टॉनिक, अगर एक माँ के चार बच्चे होंगे वो सबको सेम टॉनिक देगी. ठीक है. तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, क्योंकि हर किसी को सेम दवाई मिल रही है, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग किसने कहा था? फर्डिनेंड टोनीज ने. ह्यूमन बींग्स लिविंग टुगेदर, वो किसने कहा था? फर्डिनेंड टोनीज ने. पार्सन्स ने क्या कहा था? एक ज्योग्राफिकल डिलिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे सारे मेंबर्स ऐसे साथ रहते हों कि वो बेसिक कंडीशंस ऑफ कॉमन लाइफ जो है वो शेयर करें. ये किसने कहा था? पार्सन्स ने. चलते हैं एसोसिएशंस की तरफ. अकॉर्डिंग टू जी डी एच कोल, बाय एन एसोसिएशन वी मीन एनी ग्रुप ऑफ पर्सन्स परसुइंग अ कॉमन पर्पस बाय ऑफ कोर्स कोऑपरेटिव एक्शन एक्सटेंडिंग बियॉन्ड अ सोशल एक्ट फॉर दिस पर्पस अग्रीइंग टुगेदर अपॉन सर्टन मेथड्स ऑफ प्रोसीजर एंड लाइंग डाउन इन हाउ एवर अ रूडिमेंट्री फॉर्म रूल्स ऑफ कॉमन एक्शन. ठीक है. तो जी डी एच कोल से हमने अभी ऊपर सोसाइटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो मैंने कहा था आपको कॉम्प्लेक्स नाम है लेकिन ऑर्गेनाइज है, तो कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज एसोसिएशन हमने अभी पढ़ा था ऊपर, कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज एसोसिएशन इन्होंने किसको कहा था? सोसाइटी को. ठीक है. अब ये चलो एसोसिएशन यहाँ पे कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं. एनी ग्रुप ऑफ पर्सन परसुइंग अ कॉमन पर्पज बाय ऑफ कोर्स कोऑपरेटिव एक्शन एक्सटेंडिंग बियॉन्ड अ सोशल एक्ट. तो पर्सन जिनका कॉमन पर्पज होता है एक कोऑपरेटिव एक्शन के, कोऑपरेटिव एक्शन के साथ. ठीक है. कॉमन पर्पज, कोऑपरेटिव एक्शन किसने कहा था? कोल ने. तो को है ना, कोऑपरेटिव एक्शन कॉमन पर्पज जो एक्सटेंड करेगा बियॉन्ड अ सोशल एक्ट, ये किसने कहा था? जी डी एच कोल ने. ठीक है. तो कॉमन पर्पज कोल, कोल ने क्या कहा था? कॉमन पर्पज, और कोल ने क साउंड, कोऑपरेटिव एक्शन. अब किसी और की डेफिनेशन में भी हो सकता है कीवर्ड्स होंगे, तो बस एक याद रख लेना है इसमें, एक सोशल एक्ट के बियॉन्ड, सोशल एक्ट. तो कोल ने कहा था कॉमन पर्पस, कोऑपरेटिव एक्शन बियॉन्ड अ सोशल एक्ट. ठीक है. एसोसिएशन को. और हमने कोल की कौन सी डेफिनेशन पढ़ी है? कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस, क्योंकि नाम कॉम्प्लेक्स है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, जी डी एच कोल. ठीक है. इतना बड़ा नाम अभी तक हमने किसी का नहीं पढ़ा जिसमें आगे तीन इनिशियल्स होंगे. तो बोगार्डस, बोगार्डस का हमने पढ़ा पहले भी. बोगार्डस मैंने आपको कहा था बोगस याद रख लो. तो बोगस इन्होंने सोशियोलॉजी में क्या, किसकी बात की थी? रिप्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स भी इन्होंने कहा था बोगार्डस. ठीक है. तो एसोसिएशन को क्या कहा था? वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपल हु विश टू अचीव सर्टन पर्पजेस. वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपल किसने कहा था? बोगार्डस ने. बोगार्डस. ठीक है. तो वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपल बोगार्डस, बोगार्डस वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपल, जी डी एच कोल कॉमन पर्पस कोऑपरेटिव एक्शन बियॉन्ड अ सोशल एक्ट, और बोगार्डस ने कहा था इकट्ठे काम करना, लोगों का इकट्ठे काम करना. ठीक है. जब लोग इकट्ठे काम करते हैं तो आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, तो रिप्रेशन, वही याद कर लो, एक तो बोगस, बोगस से रिप्रेशन, रिप्रेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, एंड जब इकट्ठे लोग काम करते हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं, वो अगेन आपके रिप्रेशन से कहीं ना कहीं उसको रिलेट करो. एंड ये सब बातें किसने कही हैं? बोगार्डस ने. ठीक है. तो मैकाइवर, मैकाइवर से हमने क्या क्या पढ़ा था? एक तो सोशल कोहेजन एंड स्ट्रक्चर, वो हमने बात की थी, देखा था अभी कोहेजन वाला. एंड हमने मैकाइवर का क्या कहा था? वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, मैकाइवर मकड़ी. ठीक है. और भी एक चीज़ हमने कही थी मकड़ी से, वो इकट्ठे रहना, लिविंग टुगेदर, उसके जो जाल होती है मकड़ी की वो साथ साथ होती हैं. ठीक है. तो एक लिविंग टुगेदर वाली बात भी हुई थी, एक बार वो देख ही लेते हैं. मैकाइवर कहाँ गया? हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर बिलोंग टुगेदर. तो जो ये मकड़ी का वो जाल ऐसा जैसा होता है, वो इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे बना हुआ होता है. ठीक है. तो इकट्ठे इकट्ठे होता है एंड बिलोंग करता है वो जाल की, हर जो लड़ी होती है दूसरी लड़ी से बिलोंग करती है. तो आप याद रख लो मैकाइवर ने वो कहा था. एंड मैकाइवर ने और एक चीज भी, मैकाइवर ने मतलब इनके पास हर चीज को लेके कुछ ना कुछ था. एसोसिएशन का भी इन्हें कुछ कहा. ऑर्गेनाइजेशन डेलिब्रेटली फॉर्म्ड फॉर द कलेक्टिव परस्यूट ऑफ सेम इंटरेस्ट और सेट ऑफ इंटरेस्ट विच इट्स मेंबर्स शेयर. ठीक है. तो जो डेलिब्रेटली फॉर्म होती है एसोसिएशन, डेलिब्रेटली फॉर्म होती है, हमें पता है. अब देखो जो मकड़ी अपना जाल बनाती है वो डेलिब्रेटली बनाती है ना, क्योंकि उसको पता है उसको वहीं ही रहना है, वैसे चींटी की तरह कहीं भी नहीं रहेगी. ठीक है.
या किसी कॉकरोच की तरह कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। वो डेलिबरेटली अपना जाल बनाएगी क्योंकि उसको वहां रहना है उस जाल में। तो डेलिबरेटली कम्युनिटी कौन फॉर्म करती है? वो मकड़ी फॉर्म करती है, वो हमने मैकाइवर ने पढ़ा है। ठीक है, तो गिन्सबर्ग गिन्सबर्ग ने क्या कहा था? एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ सोशल बींग्स रिलेटेड टू वन अनदर बाय द फैक्ट दैट दे पोजेस और हैव इंस्टीट्यूटेड इन कॉमन एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ व्यू टू सिक्योरिंग अ स्पेसिफिक एंड और स्पेसिफिक एंड्स। ठीक है, तो गिन्सबर्ग ने क्या कहा था? स्पेसिफिक एंड की बात की थी एसोसिएशन में, कि इसके स्पेसिफिक एंड होते हैं। गिन्सबर्ग ने कहा था स्पेसिफिक एंड होते हैं। ठीक है, अब जिस चीज का कोई कनेक्शन नहीं फॉर्म होता है, वो चीज का तरीका क्या है रिवाइज करने का? उसको बार बार ही बोलो, बार बार ही रिपीट करते जाओ। जीडीएच कोल ने क्या कहा था? कॉमन पर्पज कोऑपरेटिव एक्शन जो एक्सटेंड करेगा बियॉन्ड सोशल एक्ट। बोगार्डस ने एक तो हमें कहा था रिप्रेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो रिप्रेशन कब होती है? जब सारे इकट्ठे काम करते हैं, तो वर्किंग टुगेदर भी उन्होंने एसोसिएशन को कहा है। मैकाइवर ने क्या कहा था? मकड़ी का वो जाले बनाने वाली मकड़ी की सारी डेफिनेशन हमने मैकाइवर के साथ एसोसिएट की। एंड जो मैकाइवर ये होते हैं मकड़ी, वो अपना जाल डिलिब्रेटली बनाती है वहां रहने के लिए, जैसे हम घर डिलिब्रेटली बनाते हैं। तो डिलिब्रेटली किसने कहा है? मैकाइवर ने। ठीक है, इन सब के तो कनेक्शन मिलते हैं, जैसे गिन्सबर्ग का इसमें मुझे नहीं मिल रहा है, अगर आपको मिलेगा तो कॉमेंट्स में बताओ। लेकिन स्पेसिफिक एंड एंड स्पेसिफिक एंड्स किसने कहा था? गिन्सबर्ग ने। ठीक है, गिलेन एंड गिलेन ने क्या कहा है? एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज और द पर्पज इज हेल्ड टुगेदर बाय रिकग्नाइज और सैंक्शन मोड्स ऑफ प्रोसीजर और बिहेवियर। ठीक है, तो सैंक्शन मोड्स ऑफ प्रोसीजर और बिहेवियर किसने कहा है? गिलेन एंड गिलेन ने। हमने अभी और एक डेफिनेशन भी पढ़ी है गिलेन एंड गिलेन की, गिलेन एंड गिलेन, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन अराइजिंग फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, तो इंटरैक्शन जो एसोसिएशन से बनती हैं, वो किसने कहा था? गिलेन एंड गिलेन ने। ठीक है, तो ये एसोसिएशन। एंड हमने एक पढ़ा था एसोसिएशन डिसोसिएशन, वो किसने कहा था? वैन वाइजर ने। ठीक है, तो ये हो गया आपका, सोसाइटी भी हमने रिवाइज कर लिया, कम्युनिटी भी कर लिया, एसोसिएशन देख लो ये भी हमने रिवाइज कर लिया, कोल कोऑपरेटिव कॉमन पर्पस, बोगार्डस हो गया लिविंग टुगेदर, मैकाइवर हो गया डेलिब्रेटली अपनी जाला बनाया मकड़ी का, गिन्सबर्ग स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक एंड्स के बारे में, एंड गिलेन एंड गिलेन ने क्या कहा है? सैंक्शन मोड्स ऑफ प्रोसीजर और बिहेवियर। ठीक है, गिलेन एंड गिलेन ने सैंक्शन मोड्स ऑफ प्रोसीजर और बिहेवियर, एक तो इन्होंने एसोसिएशन की बात की थी सोशियोलॉजी में उस डेफिनेशन में एसोसिएशन, एंड इसमें इन्होंने कहा था सैंक्शन मोड्स ऑफ प्रोसीजर और बिहेवियर। ठीक है, तो एक बार जल्दी से क्विकली हम फिर से रिवाइज करते हैं, ताकि आपको इस वीडियो के बाद दोबारा इसकी टेंशन डेफिनेशन की लेने की जरूरत नहीं पड़े। नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉस कहा था ऑगस्ट क्रॉम्पटन ने, घर में रहना होता है, घर में इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड्स होता है, ये हॉबा उसने कहा था। ठीक है, इसमें सोशल ग्रुप्स और इंटरनल फॉर्म्स और मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किसने कहा था? एच एम जॉनसन ने। और किसी ने ग्रुप की बात की थी, वो किसने की थी ग्रुप्स की बात? सिमेल ने की थी। सिमेल ने क्या कहा था ग्रुप्स को लेके? ज्यादा डीपली उसने ग्रुप की बात की थी, कि ग्रुप एग्जिस्टेंस वगैरह, इंसान जो है वो ग्रुप की एग्जिस्टेंस की वजह से होता है, समथिंग ऑन दैट लाइन। तो वो जो ग्रुप को ज्यादा इंपॉर्टेंस किसने दी थी? सिमेल ने। ठीक है, फिर एसोसिएशन डिसोसिएशन ये कहा था वैन वाइजर ने। और एक एसोसिएशन की बात हुई थी एसोसिएशन ऑफ लिविंग बींग्स, वो किसने कहा था? गिलेन एंड गिलेन ने। एंड गिलेन एंड गिलेन ने एसोसिएशन में क्या कहा था? स्पेसिफिक एंड्स वाली बात की थी। ठीक है, फेयरचाइल्ड ने क्या कहा था? मैन और उसका ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्यूबर ने क्या कहा था? साइंटिफिक नॉलेज अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप। और एक बात की थी क्यूबर ने, वो क्यूब्स, मैंने आपको उसकी एग्जाम्पल दी थी ना, कि इतने टाइम तक आप क्यूब सॉल्व करो कि वो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, ऐसी एक डेफिनेशन फॉर्म की है क्यूबर ने। ऑगबर निमकॉफ ने कहा था साइंटिफिक रिलेशन नॉलेज अबाउट ह्यूमन, नहीं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है, और साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल लाइफ, स्ट्रक्चर किसने कहा था? यंग ने। तो यंग एंड मैक ने आगे से कहा था। पार्क एंड बर्गर ने क्या कहा था? कलेक्टिव बिहेवियर की बात की थी। और एक डेफिनेशन दी थी पार्क एंड बर्गर ने, कि सब कुछ सेम होता है ना, सेम हर पार्क में सेम घास होगी, तो कम्युनिटी को लेके इनने कहा था वो सेम सेम जहाँ पे आएगा, सेम एटीट्यूड, सेम लाइफ टाइप। ठीक है, तो हर पार्क जो आपको हर जगह सेम मिलेगी, एंड बर्गर भी हर रेस्टोरेंट में सेम होता है। टोनीस ने कहा था ह्यूमन बींग्स लिविंग टुगेदर, एक माँ चार बच्चों को सेम टॉनिक पिलाती है, मतलब लिविंग टुगेदर सेम एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये दोनों डेफिनेशन किसकी थी? फर्डिनेंड टोनीस की। किम्बाल यंग ने क्या कहा था? बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप्स, तो वो कौन देखेगा? यंग लोग जो है वो बिहेवियर देखते हैं, मैन इन ग्रुप्स। ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट से हड्डियां मजबूत, हड्डियां होगी बोन्स, ये दिया था डेफिनेशन जोन्स ने। ठीक है, मैकाइवर का हमने बहुत बार ये कर लिया रिविजन, कोहिजन एंड ऑफ ऑर्डर विद इन द सोशल स्ट्रक्चर, ये मैकाइवर ने कहा। और हमने देखा था मैकाइवर में, एक तो ये हो गया कोहिजन वाला, ठीक है, वेब वाला, और हमने देखा था जो लिविंग टुगेदर एंड बिलोंगिंग टुगेदर, ठीक है, वो जो जाला बनाते हैं, वैसे वो जाल इकट्ठे सारी उसकी लड़ियां होती हैं जाल की, तो लिविंग एंड बिलोंगिंग टुगेदर। ठीक, ये हमने मैकाइवर का देखा था।
एंड डेलिब्रेटली फॉर्म कर, जैसे मकड़ी अपने जाल डेलिब्रेटली बनाती है, वैसे मैं कह रहा हूँ डेलिब्रेटली फॉर्म होती है एसोसिएशंस, वो बात कही थी। मैक्स वेबर मैंने आपको कहा था इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, बोगार्डस मैंने कहा था नेगेटिव, याद रख लो, बोगस रिप्रेशन ह्यूमन बींग, तो रिप्रेसिंग ह्यूमन बींग्स, एंड प्लस जब सारे इकट्ठे काम करते हैं वर्किंग टुगेदर ऑफ ह्यूमन बींग्स, उससे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वो रिप्रेस हो जाते हैं ह्यूमन बींग्स, तो वो बोगार्डस से याद कर लो। यंग एंड मैक हो गया स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल लाइफ, एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सिंपल सोशल लाइफ, ये किसने दिया था, ये दिया था आपके साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, ऑगवन एंड निमकॉफ ने, ठीक है। फिर हो गया मिशेल, मिशेल से मैंने कहा था याद रख लो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल बातें उन्हें की थी क्योंकि वो पॉलिसीज बनाती है, ओबामा की बीवी, तो वो हो गया आपका मिशेल। अबेल हो गया, बैल जो होता है उसको रेड कलर दिखाओ तो उस पर इफेक्ट हो जाता है, तो ये इफेक्ट होना, वट एवर अफेक्ट्स देम एंड वट एवर दे अफेक्ट, ये बात बैल ने की थी, अबेल ने, ठीक है। बेनेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोशल लाइफ, ये आप खुद से देख लो कैसे याद रखोगे। सरोकिन इज सोशो कल्चर फिनोमेना, ठीक है, इवेव्ड इन जेनेरिक फॉर्म, तो सोशो कल्चर, सो मीन सरोकिन, सो इज सोशो कल्चर, तो ये हो गया आप सोशोलॉजी। फिर सोसाइटी मैकाइवर अगेन, यहाँ पे आपका आ गया वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। कूली मैंने क्या कहा था, ट्रेन की एग्जाम्पल याद रख लो, लिविंग टुगेदर और इंटरेक्शन इकट्ठे होता है, और जो एक डब्बे में होगा उसका असर दूसरे डब्बे पे भी पड़ेगा, तो कूले का हो गया। गिन्सबर्ग ने क्या कहा था, मोड्स ऑफ बिहेवियर की बात की थी। पार्सन्स ने क्या कहा था, या सिम्बॉलिक याद रख लो या कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है और इनकी जो थियरीज हैं पार्सन्स की वो काफी कॉम्प्लेक्स है। फिर क्यूबर, क्यूबर मैंने आपको कहा इतने टाइम तक साथ रहे हैं कि ऑर्गेनाइज हो गए हैं। ले पायर मैंने क्या कहा था आपको, कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, आप पैर एक दूसरे को नहीं मारते हो सिर्फ बातें करते हो, दैट इज ले पायर। जी डी एच कोल, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज एसोसिएशन, कितना ऑर्गेनाइज नाम है, तो जी डी एच कोल ने कहा था, ठीक है। और कोल से हमने और भी चीज याद रखी थी, शायद कॉमन, कॉमन करके कुछ याद रखा था ना, कॉपरेटिव एंड कॉमन, वो आगे देखते हैं। ली कॉक, मुर्गा कौन खाते हैं, पॉलिटिशियंस खाते हैं, तो ली कॉक ने पॉलिटिकल रिलेशनशिप की बात की थी। हार्किन से मैंने आपको कहा था हार्पिक कौन यूज करता है, बच्चे बच्चे बड़े वुमेन, मैन वुमेन चिल्ड्रेन जहाँ पे ज्यादा होंगे हर रेस के होंगे तो उनको हार्पिक जरूरी यूज करना होगा। मैकाइवर हो गया, किंग्सले डेविस, किंग हो गया स्मॉल टेरिटोरी, टेरिटरी होती है उसकी क्योंकि किंग की टेरिटरी में कोई नहीं जा सकता। पार्क एंड बर्गर ने क्या कहा था, सेम सेम पार्क होती है हर जगह, सेम बर्गर सारे खाते हैं, तो सेम पीपल सेम लैंग्वेज सेम एटीट्यूड। मंजर किसने कहा था, अच्छा मंजर कहाँ पे मिलता है, एक डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में। चाइल्ड जब आता है बच्चे जिंदगी में तो कॉम्प्लेक्स लाइफ हो जाती है, ठीक है, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग अ नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स लिविंग टुगेदर अंडर कंडीशंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप बाउंड टुगेदर बाय कॉमन बिहेवियर, तो सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाता है जो बच्चा लाइफ में आ जाता है। लुम्बी मैंने कहा था कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स लंबे होते हैं काफी, तो वो लुम्बी ने कहा था। गेटीज से मैंने कहा था गीटोज याद रख लो, जो स्लम टाइप के होते हैं, तो स्लम क्या हो गया, एक टेरिटरी जहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, दिस इज योर कम्युनिटी। लनबर्ग एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, एल से हो गया लनबर्ग, एल से हो गया लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। टोनीज हो गया सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सारे बच्चों को सेम टॉनिक। टेलकॉट पार्सन्स ने और एक बात कही थी, लोग ऐसे साथ रहते हैं कि दे शेयर द बेसिक कंडीशन ऑफ कॉमन लाइफ, ये आप खुद याद रख लोगे। एसोसिएशन हो गया जी डी एच कोल, कॉमन पर्पज एंड कॉपरेटिव एक्शन, हमने कहा था को, कोई कुछ सी से था अराउंड, अरे राइम कर रहा था, कॉमन पर्पज कॉपरेटिव एक्शन, लेकिन ये याद रख लेना बियॉन्ड अ सोशल एक्ट, क्योंकि हो सकता है कॉमन पर्पज वगैरह किसी और का भी कीवर्ड हो तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। तो कॉमन पर्पज कॉपरेटिव एक्शन बियॉन्ड अ सोशल एक्ट जी डी एच कोल ने कहा था, और जी डी एच कोल ने क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज एसोसिएशन, ठीक है। मैकाइवर का मैंने आपको बताया डेलिब्रेटली बन गया, गिन्सबर्ग हो गया स्पेसिफिक एंड और स्पेसिफिक एंड्स, गिलेन एंड गिलेन ने क्या कहा था, मोड्स ऑफ प्रोसीजर की बात की थी, सैंक्शन मोड्स ऑफ प्रोसीजर और बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें कुछ ही ऐसे नाम होंगे जो आपको दोबारा से रिवाइज करने होंगे, बाकी मैंने आपको हर चीज का ये बताया कैसे याद रखोगे। गिलेन एंड गिलेन आपको रिवाइज करना होगा अच्छे से, इसका कोई मुझे कनेक्शन नहीं मिल रहा है। गिन्सबर्ग कभी मुझे नहीं मिला, गिन्सबर्ग और गिलेन एंड गिलेन दोनों रिपीट हुए हैं नाम, पर मुझे रिकॉल नहीं हो रहे हैं, देखो पढ़ाते पढ़ाते भी रिकॉल नहीं हुआ। तो बाकी मैंने हर किसी का कोई ना कोई कनेक्शन ड्रॉ किया हुआ है, जिसका नहीं किया हुआ है वो आप याद रख लेना। अच्छा गिन्सबर्ग ने यहाँ पे भी मोड्स ऑफ बिहेवियर की ही बात की, तो मोड्स ऑफ बिहेवियर गिन्सबर्ग याद रख लो, ठीक है। ओके ये गिलेन एंड गिलेन एक बार देखते हैं, मुझे क्यों नहीं याद रहा उसने क्या, अच्छा उसने एसोसिएशन की बात की थी, एसोसिएशन ऑफ लिविंग बींग्स गिलेन एंड गिलेन, और एसोसिएशन डिसोसिएशन वो कहा था वैन वाइजर ने कहा था ना, हाँ, और एसोसिएशन ऑफ लिविंग बींग्स कहा था गिलेन एंड गिलेन ने, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन वाला, इतनी याद कर लो क्योंकि मैंने कहा डेफिनेशन जो है इट हैज नो एंड, काफी ज्यादा डेफिनेशन हैं, तो इतनी याद करो। आई होप इसमें से आपका कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाए।
डेफिनेशंस पे ज्यादा टाइम नहीं देना, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि अभी वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, इतने ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे नहीं, एंड देन आप ज्यादा टाइम उन पे दोगे, वो जो मेन एरिया अभी रिविजन वाला है वो आपका रह जाएगा। तो टिल द टाइम आप लोग न्यू वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, एंड मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगी वीडियो, ये डेफिनेशंस पढ़ाने की। बाय बाय, टेक केयर।